गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। बहुत लेट गुड मॉर्निंग हो रही है, इट्स गुड आफ्टरनून नॉट गुड मॉर्निंग। 12:10 हो रहे हैं, मैं उठ गई थी 11 बजे, 1 घंटा टाइम पास किया अरियांश के साथ। अरियांश को ना दोबारा से अभी सुलाया है जस्ट, और यार रूटीन सेट ही नहीं हो रहा है अरियांश के साथ। मतलब हम ट्राई करते हैं, 2 दिन सेट होता है, फिर 3rd डे ख़राब हो जाता है। और एक्चुअली भी क्या हो रहा है ना कि अभी मुझे खुद नींद नहीं आती रात में, और मैं डेली रात में एडिटिंग करती हूँ। डेली जो व्लॉग जाता है ना नेक्स्ट डे, उसकी एडिटिंग रात में ही होती है। रात में 2 बजे 3 बजे मैं एडिटिंग करती हूँ, और आज कोई व्लॉग नहीं जाएगा। मतलब टुडे इज़ संडे, आज कोई व्लॉग नहीं जाएगा क्योंकि कल रात में मैंने आधा ही व्लॉग एडिट किया है। मेरा सिर्फ 1.5 घंटे काम हुआ एक्चुअली। मैं कल रात में क्या हुआ, मुझे ना मैं प्लान किया था कि कल मुझे शूट वूट करने हैं कुछ, बट वो हो ही नहीं पाया। और फिर मुझे मैंने ट्रायन हॉल तो कर दिया, बट मैंने उसका रिव्यू शेयर नहीं किया। लाइक ट्रायन हॉल करके मैंने शूट करके रख लिया, एंड फिर मुझे इतनी नींद आई ना 11 बजे, आई वॉज लाइक यार अब तो सो जाऊँ आज, और आज अगर मैं सो गई तो भाई कल से रूटीन बन जाएगा, ये है और वो है। क्योंकि रियांश एंड मतलब रियांश ऑलरेडी सो चुका था, वरुण भी रूम में अंदर थे ऑलमोस्ट स्लीपी। फिर मुझे ऐसा लगा 1% को कि मैंने कहा यार मैं दूसरे रूम में सो जाती हूँ ताकि मैं एटलीस्ट सो पाऊँ, बट वही इंसान एक बेवकूफ़ी कर जाता है ना जिंदगी में, वही मेरी कल एक बेवकूफ़ी कि मैं इन दोनों के पास रूम में चली गई। और फिर क्या सोना, फिर तो हम बातें करने लग गए, फिर रियांश उठ गया, फिर खेलने लग गए, फिर भूख लगाई, फिर हमने स्विगी से रात में 1 बजे ऑर्डर किया है एक नूडल्स का कॉम्बो, और भाई फिर क्या था, बस अब 1:30 बजे तक डिलीवर हुआ, 2 बजे तक हमने खाया, फिर पाते की, फिर उसे डाइजेस्ट किया, फिर वरुण सोना 2:30 बजे सोना वरुण वरुण 2:30 बजे सोया, मैं 3:15 बजे सोई हूँ, 11 बजे सोने वाली थी, 3:15 बजे सोई हूँ। आधा मैंने व्लॉग एडिट किया, फिर मेरा मन ही नहीं किया, फिर नींद आ गई तो मुझे लगा सो जाती हूँ, एंड अभी मोटी हूँ 11 बजे, और मैं उठ गई थी 11 बजे। उसके बाद बातें कर रहे हैं, मस्ती कर रहे थे यहाँ से साथ वरुण ने दीदी, मैं नाश्ता बनाया है, नाश्ते में बनाई है ब्रेड, सेक लिए हैं, ऐसे टोस्ट कर लिए हैं, बहुत दिन से ब्रेड नहीं खाई थी, और साथ में है चाय। वैसे मुझे चाय पीनी नहीं थी, मुझे मैं पीना है मैंगो शेक, क्योंकि मैं कल एक मैंगो लेकर आई हूँ, बट मैंगो शेक ना मैं रियांश के साथ पीऊँगी, मतलब जब उसका बनाऊँगी, उसका तो मैं टॉप फीड में बनाऊँगी, और अपना मैं बनाऊँगी नॉर्मल जो हमारा दूध आता है उसमें, बट लेकिन बनाऊँगी फिर साथ में तभी पीऊँगी। क्या निकाल रहे हो? अच्छा, और क्या खा रहे, बिस्किट खा रहे हो? तो चलो हम लोग नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। वैसे आज के मेरे बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारे आपको दिखाती हूँ, एंड फिर उसे टिक करते चलना है, क्योंकि आज मुझे एक्चुअली में वो सारी चीज़ें करनी ही करनी है। तो या दैट्स इट फॉर अभी के लिए, खा के मिलती हूँ आपसे। सो बेसिकली आज मुझे ना ये वाली साड़ी और ये वाली साड़ी एंड ये वाली, तीनों साड़ी का प्रमोशन करना है, और ये तीनों मुझे इंस्टाग्राम पर प्रमोट करनी है। मीनवाइल आप कह सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम का फर्स्ट साड़ी कोलैब आया है, तो इसमें तो ये ब्लू ब्लाउज चल जाएगा मेरा, बट इन दोनों में ना ग्रीन ब्लाउज चाहिए, मतलब इसमें येलो भी चल सकता है। आई विल ट्राई कि इसमें येलो मैं पहनूँ ताकि अच्छा लगे, एंड इसमें तो ग्रीन ही चाहिए, बट मेरे पास कोई ग्रीन ब्लाउज नहीं। तो बेसिकली अभी मैं जा रही हूँ पूजा दीदी के पास, मैंने उनको मैसेज किया था कि आपके पास कोई ग्रीन ब्लाउज है क्या, तो उनका कमेंट आया यस यस यस, उन्होंने मुझे फोटो भेज दिया। सिंपल प्लेन ब्लाउज है, मुझे एक्चुअली ना प्लेन ही चाहिए, मेरे पास ग्रीन ब्लाउज है, डार्क ग्रीन है, बट वो ना आपको आगे दिखाऊंगी, बहुत हैवी ब्लाउज है, हैवी मतलब उसकी स्लीव्स पूरी फुल 3/4 हैं, और इस टाइप का ब्लाउज है, तो वो नहीं चलेगा इसके साथ गर्मियों में। तो बेसिकली इसके साथ तो मैं अभी यही प्लान कर रही हूँ, येलो पहनूंगी, येलो मेरे पास बहुत सारे हैं, और इसके साथ का ब्लू हो गया, एंड इसके साथ आई विल वेयर ग्रीन कलर का। इतनी गर्मी है ना, पता है लू चल रही है, लू वाले वेदर है, और दिख रही है आपको बाहर धूल मिट्टी उड़ती हुई, लू चल रही है, विजिबल हो रहा होगा शायद कितनी धूल मिट्टी, बहुत ज़्यादा। और इतनी गर्मी में मुझे जाना पड़ रहा है, आई हैव टू गो। कुछ लोगों को लगता है कि बीइंग अ इन्फ्लुएंसर इज़ सो ईजी, मतलब घर पर रह के अपना हो जाता है, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ये तो आज का काम है, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। अभी मुझे इसी धूप और लू में फ़ोटोशूट भी कराना है मेरी साड़ीज़ का। सो फाइनली मुझे ग्रीन वाला ब्लाउज़ मिल गया है, वैसे दिस इज़ लाइट ग्रीन टाइप है, बट कोई नहीं यार उसमें भी ऐसा डार्क ग्रीन नहीं है कुछ।
जस्ट अभी मैंने अपना फर्स्ट शूट कंप्लीट किया है, मतलब कुछ रील्स कंप्लीट किए हैं। ये है मेरा लुक, मैंने पहनी है ये पोल्का डॉट साड़ी। एक्चुअली मैं आजकल, मुझे पोल्का डॉट बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो अभी आपको ऐसे मैंने रेड एंड व्हाइट पहनी थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, अमेजोन से थी वो, एंड देट वॉज जस्ट फॉर रुपीज आई थिंक 250 के अराउंड, एंड सेम ही है, जस्ट 250 के अराउंड है। दिस इज अमेजिंग। ये मेरा इंस्टा कोलैब था ना, तो वहाँ पे आई है, एंड एक इंस्टा पेज है जो आपको मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा, उनको मैं टैग करूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली सो सॉफ्ट, सो कम्फर्टेबल, बहुत अच्छी साड़ी है। सेम रेड वाली है, जस्ट ब्लू कलर की है, वो रेड कलर की थी, सेम साड़ी है, बट दिस इज जस्ट अमेजिंग। एंड इसके साथ मैंने एक बार नेक पीस पहना है, ये पहना है, और इतनी गर्मी में ना ये सब हैंडल करना इज लाइक गेटिंग टू टफ फॉर मी, टू टफ। और अभी मेरे को फोटोज भी क्लिक कराने हैं कुछ। वेल मैं कैसे लग रही हूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे है रियांश, जिसकी आपको आवाजें आ रही होंगी, बट मैं उसको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो नंगू पंगू पला हुआ है, नंगू पंगू, नंगू पंगू, शेम 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 हो। इसने अभी शुशु कर लिया, एंड मैंने ये बैंगल भी डाला है जो रियांश को ऐसे, व्हाट इज दिस, ऐसे उसकी नजर है, यू वांट दिस। चलो मैं कुछ फोटोज क्लिक कराती हूँ, एंड देन साड़ी चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, बाय। नींबू पानी इज लाइक जो मुझे एनर्जी दे देगा अच्छी वाली। एंड आज खाने का कुछ बहुत ही अलग सीन है, ये है कि वरुण बना रहे हैं भरमा बैगन, बहुत ही हाई रिस्क अलर्ट पे, और बनाऊंगा चिंता मत करो। लेट्स सी, मैं ये सोच रहा था कि खाना वाना खा के थोड़ा सा आधा घंटा निकाल लेंगे, नीचे चल लेंगे। रियांश का बनाना शेक बनाया है, और मैं बनाना शेक ना इसमें देती हूँ उसको, ये जो है व्हाट इज दिस कॉल्ड, आई डोंट नो, इसमें स्पून भी आ गया ना फीडिंग का, बनाना शेक, एंड ही फील्स सो हैप्पी। दिखा रियांश, बनाना शेक कौन पिएगा, मेरा सोना बेबी पिएगा, दिखा। और बॉय, सी फॉर कैट, इतनी बड़ी टंग है तेरी, मुटकी तेरी तो बहुत लंबी टंग है, सच्ची बता मेरे को। डी फॉर डॉग, डॉग, तो वीडियो शूट में आ गई एक बहुत बड़ी रुकावट, और वो ये है कि मैंने ना जो ब्लाउज निकाले थे पहनने के लिए, वो सब टाइट है, लाइक सीरियसली, हाँ। तो मैंने ब्लू वाला तो कैसे भी पहन ही लिया था, बट ये जो येलो वाला है ना, ये है, ये जो ब्लाउज है ये है मेरी लगुन, लगुन जिस दिन होती है ना उस दिन का। सो यार बहुत ही सुंदर साड़ी का ब्लाउज है ये, बट ये टाइट है, तो वॉट आई एम गोइंग टू डू, मुझे बहुत सारी चीज़ ऑल्ट्रेशन करनी है, और ये आज का नहीं है, रोज़ का होता है। क्या हो रहा है, मेरे एक्चुअली सारे ब्लाउज टाइट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने प्रेगनेंसी में वेट गेन किया, वो जो सारे ब्लाउज है ना वो 4 साल पुराने स्टिच किए हुए हैं। तो अभी मैं कुछ कॉमन ब्लाउजेज, लाइक जो बहुत यूज़ में लगता है मुझे कि हाँ भाई आते हैं आते हैं आते हैं, उनको जा रही हूँ ऑल्ट्रेशन के लिए डालने सबसे पहले। और ये देखो बेड की हालत, क्योंकि मुझे अभी शूट करना है एक हॉल वीडियो, जो आप लोगों ने कल के ब्लॉग में ऑलरेडी देख लिया, तो उसका मैंने ट्रायल हॉल रात में करा था, वो है, ये अमेजोन की साड़ी वाला है, और ये सारे वॉश कपड़े हैं, ये ब्लाउज का एक पिटारा है। तो फटाफट से ना कुछ ब्लाउज ऐसे हैं, सेलेक्टेड ब्लाउज निकाल लेते हैं जो कॉमनली यूज हो सकते हैं, लाइक बहुत जगह, तो ये तो नहीं। रेड में ऑलरेडी मेरे पास एक ब्लाउज है, बाकी मैं इसे भी यूज़ कर सकती हूँ काफ़ी जगह, बट एक मेरे पास जो गोटा पत्ती वाला है ना वो है, पर ये वाला ब्लाउज सही होगा क्योंकि मैंने रिसेंट कुछ टाइम पहले ये पहना था, लाइक 1-2 साल पहले, तो ये सही होगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। इसका ऑल्ट्रेशन मैं करा लेती हूँ क्योंकि ये ना काफ़ी जगह चल सकता है, एंड ये बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। यहाँ पे इसमें एक बूटी है, एंड इसमें देखते हैं पहले जगह, हाँ है, और ये ना एक साइड से ये सिलाई वाला है तो लूज़ तो हो जाएगा, बट देखते हैं, ये करा लेते हैं, ये तो नहीं, ये भी नहीं, ये बस मेरे को लगता है 2 ही ब्लाउज पहले मैं करा लेती हूँ। एक ये कुर्ता, एक ये वाला ब्लाउज़, एक ये वाला भी डाल रही हूँ मैं, फिर एक ब्लू भी डाल रही हूँ, एंड एक ये पिंक और एक येलो, तो अभी पिंक येलो ब्लू रेड और मेहरून 5 कलर हो जाएंगे मेन, और एक ये कुर्ता, तो ये सब चीज़ें निकलते हैं ऑल्ट्रेशन के लिए।
हाय गाइस, आगे वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अमेजोन हॉल। एंड हॉल को स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताती हूँ, अमेजोन पर चल रही है समर सेल, जल्दी से जाओ आप अपने फेवरेट प्रोडक्ट को कार्ड में ऐड करके परचेज करो, क्योंकि इतना भारी डिस्काउंट ना कभी नहीं मिलता है, बहुत भारी डिस्काउंट आपको अमेजोन पे मिल रहा है। तो जल्दी से परचेज कर लेना सामान जो आपको अच्छा लगता है। एंड अभी स्टार्ट करती हूँ मैं अपने हॉल को, और इस हॉल में मैं सबसे पहले शेयर करूंगी अपना फेवरेट प्रोडक्ट, लाइक वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है मैंने पहली बार परचेज नहीं किया, उठा लेती हूँ। तो वो होने वाला है ये स्मार्ट वॉच नॉइस का। एंड आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर है ना, पुराने फैमिली हो ना, तो आपको पता होगा ये मेरा थर्ड परचेज है। लाइक एक महीना परचेज की थी 1.5 साल पहले, लास्ट टू लास्ट नवंबर में, आपको याद होगा टील ग्रीन कलर की, दैट वाज अमेजिंग। बट वो खो गई, आप सबको याद होगा, लाइक 15 डेज के बाद वो खो गई थी। ओके, उसके बाद मैंने लास्ट मार्च में परचेज की थी, नॉट मार्च, शायद अगस्त में की थी, राखी पे मेयर को गिफ्ट करने के लिए, ब्लैक कलर की, अगेन नॉइस की, वो अमेजिंग वर्क कर रही है। एंड अभी मैंने एक और परचेज किया अपने लिए, दैट इज इन कलर वाइन, और ये मुझे आज ही रिसीव हुई है, अभी स्टार्ट कुछ भी नहीं हुई है, वाइन कलर की है। और इसकी खास बात बताऊँ आपको, जब मैंने फर्स्ट टाइम परचेज की थी ये 3000 की थी, जब मैंने सेकेंड टाइम परचेज की ये अगेन 3000 की थी, और इस बार मैंने पिक की 1700 की, 699 की। तो मैं बता रही हूँ ना आपको, बहुत बड़े वाले ऑफर चल रहे हैं, जल्दी से जाके ग्रैब कर लो जो आपको चाहिए। सो इस स्मार्ट वॉच और नॉइस की है, 1700 रुपए की मुझे मिल गई है। बहुत सारे इसमें शेड्स हैं, और पहले क्या होता था, सारे जो कलर्स आते थे ना सबका अलग अलग रेट होता होगा, आपको पता होगा, बट इस बार मैंने जितने कलर्स देखे ना सबका प्राइस 1700 ही था। सो इसमें आपको चार्जर मिलता है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट मिलता है, जिसको नहीं पता है उसको बता देती हूँ, यहाँ पे ना आपको मैग्नेट वाला चार्जर मिलता है, इसे आप अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो, चाहे आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड फोन हो, फोन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम, आपका पल्स मीटर, एंड इसको स्टार्ट करने का आपको स्कैनर मिलेगा, स्कैन से आपको इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। इसमें आपको पल्स मीटर है, आपके वॉक कितना है, आपने कितना रन किया, कितना वर्कआउट किया, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे तो ये वैसे ही लेनी थी, सो मैंने इसमें ये वाला शेड लिया, दिस शेड इज अमेजिंग यार, बहुत प्यारा शेड है वाइन कलर। सो यार दिस इज माई फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकेंड मैंने परचेज किया एक और बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रोडक्ट, वो होने वाला है सनग्लासेस। मेरे पास एक्चुअली में बहुत सारे सनग्लासेस हैं, बट मुझे ना एक अच्छी क्वालिटी के चाहिए थे, लाइक जो प्रॉपर सनग्लासेस हों, सिर्फ शो ऑफ ना हो, लाइक यूवी रेज से बचा सकें, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो मैंने अपने लिए परचेज किए हैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के सनग्लासेस, एंड बहुत अच्छे रेट्स में मिल गए मुझे। इसका प्राइस 700 था, एंड लुक एट द ग्लासेस, कितने प्रिटी हैं। इसमें आपको यहाँ पे मिल रही है ऐसे फ्लावर्स मिल रहे हैं इसके यहाँ पे, ये देखो आपको विजिबल हो रहा होगा शायद। सो ये देखो इसकी डिजाइनिंग मिल रही है, एंड मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। ओ माय गॉड, ये क्या है, सो लुक एट दिस यार, ये देखो कैसे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगी है अपने ऊपर। एंड इसमें आपको यूवी रे से प्रोटेक्शन मिलने वाला है, ये क्लेम करते हैं। सो यार मैंने ये परचेज किया, फाइनली मुझे कुछ अच्छा सा परचेज करना था, सो मैंने ये ग्लासेस परचेज किया है। अब जब अपने लिए परचेज किया तो ऑब्वियसली वरुण के लिए कैसे छोड़ूंगा ना, मुझे वरुण के लिए भी परचेज करना ही था। सो मैंने वरुण के लिए भी ग्लासेस परचेज किए हैं, वो भी ब्लैक कलर में है, सेम ब्रांड के हैं, आई थिंक सेम प्राइस के हैं ऑलमोस्ट, और ये भी यूवी प्रोटेक्शन से को बचाते हैं। सो ये भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ, वैसे मेरे ऊपर ये भी अच्छा लग रहा है, नो डाउट एट ऑल। सो प्लीज बताना कैसे लग रहा है। ओके, सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने परचेज किया एक बैंगल, जो बहुत अच्छे से इस बॉक्स में पैक होकर आता है, एंड दिस बैंगल इज जस्ट अमेजिंग। ये देखो, लाइक हम गोल्ड की चीज ना हमेशा नहीं पहन सकते, तो ये बैंगल कुछ इस टाइप का है जिसे आप डेली पर्पज में पहन सकते हो, एंड आई थिंक से आपको क्लियरली दिख रहा होगा इस पर ना, ये देखो ये डिजाइन का बैंगल है, इस पर कुछ ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं, एंड इसका जो शेप है ओवल शेप है, ये इसमें आपको लॉकिंग सिस्टम मिल रहा है, इस तरीके से आप लॉक हटाएंगे, एंड इस तरीके से ये इन आउट का सिस्टम है, लॉक हटा के ना ऐसे थोड़ा सा इस टाइप का है, एंड इसे आप पहन लो, ये बहुत स्मार्ट लग रहा है यार, मुझे बैंगल बहुत अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे डिजाइन एंड कलर्स थे, लाइक आपको बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे, 1 स्टोन, 2 स्टोन, 3 स्टोन, जो भी आपको डिजाइन पैटर्न चाहिए, और ये कुछ ऐसा लुक देने वाला है, आप इस एक बैंगल को पहनोगे ना तो वो आपका पूरा एक स्मार्ट लुक दे देगा। सो यार ये बैंगल मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इसे साड़ी, सूट, नॉर्मल डेली वेयर, कहीं आना जाना, पार्टी वेयर, हर जगह कैरी कर सकते हो, बहुत स्मार्ट लुक दे रहा है। प्रोडक्ट इस वाले हॉल का वो है ये वाली स्लीपर्स, एंड ये इतनी प्यारी स्लीपर्स है, बेज कलर का है, एंड आप देख लो कितनी सॉफ्ट है,
मतलब इतनी सॉफ्ट स्लीपर्स है ना, इनको पहन के इतना कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। इसका ये डिजाइन है और ये स्टेप की हील्स में ब्लॉक हील्स टाइप आप इन्हें बोल सकते हो। बहुत ही अमेजिंग स्लीपर है, इस टाइप का प्रॉपर पैटर्न है एंड ये इतनी सुपर सॉफ्ट है, आपको आइडिया लग रहा होगा। मतलब ये पहन के लिटरली मुझे मजा आ गया। मैं इन्हें रियांश के साथ ना इजिली पहन सकती हूँ। सो बेज कलर के बहुत ही स्मार्ट स्लीपर है, आप इसे कहीं पार्टी वेयर में भी पहन सकते हो। मैंने एक्चुअली में पार्टी वेयर के लिए ही लिया है। सो या ये है स्लीपर एंड जितने भी प्रोडक्ट है ना सबका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड हो रही है बहुत ज्यादा गर्मी तो मैं चला रही हूँ फैन एंड इस वाले हॉल को करती हूँ खत्म। अभी इंजॉय करो मेरे आगे वाले व्लॉग को। शाम के बज रहे हैं 6 और मेरा दिमाग की हो चुकी है दही, क्योंकि मेरे इतने सारे प्लान थे बट आधी चीज़ों तो अभी तक हो ही नहीं पाई हैं। आधी का भी कुछ भी नहीं हुआ है। इंस्टा शूट मैं सोच रही थी हो जाएगा, वो भी नहीं पाया साड़ियों की वजह से। फिर अभी वहाँ से आने के बाद रियांश उड़ने लग गया, उसके साथ बैठी, उसको फीड कराया, फिर उसको सुलाया, अभी वो फिर उठ गया। तो आई वॉज लाइक मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा 6 से 9 मैं बिल्कुल नहीं पकड़ने वाली हूँ इसे, क्योंकि मुझे लिटरली बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अर्जेंट बेसिस पर करनी है। मुझे अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मैं एक शूट करने के लिए इंस्टा के लिए अमेज़ॉन वाला, जो कल के ब्लॉग में आपके पास जाने वाला है अमेज़ॉन हॉल, जो कल लास्ट डेट है। मुझे कल शूट करके वो डालना ही डालना है, तो आई हैव टू डू दैट। और अच्छा हुआ कल मैंने नींद में ना उसका ट्राई ऑन हॉल कर लिया और बहुत ही अमेजिंग से सूट्स हैं, तो मैंने ना उनको ये सब लाइन में लगा लिया इस तरीके से। ट्राई ऑन हॉल मैंने कल कर लिया था, अभी जस्ट मैं इनको जल्दी से उनका हॉल शेयर कर देती हूँ एंड आप लोग उस वाले व्लॉग को देख के खूब सारे लाइक करना। अगर नहीं देखा अभी तक तो जल्दी से जाओ एंड देखो फटाफट से। सो वो सब करने के बाद यहाँ पे मैं सब कुछ कर रही हूँ सेटल एंड इतना ज़्यादा बेड फैल जाता है ना यार, आप कोई हॉल वीडियो शूट करो ना तो सारे कपड़े चीज़ें और बहुत चीज़ें फैल जाती हैं। कई बार कुछ शूट ऐसा होता है साड़ी वाड़ी वाले तो ज्वेलरी है, मेकअप है, क्लिप्स है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फैल जाती हैं। हम ऑब्वियसली कोई मेकअप करते हैं तो पूरा हो ही जाता है ना, तो वो सब मुझे सेटल करना था एंड उस रियांश भी था, क्योंकि आज सैटरडे संडे में ना मेरा प्लान रहता है कि स्पेशली जो मेरे हॉल वीडियोज़ हैं ना वो मैं कवर अप कर लूँ, क्योंकि वरुण होते हैं रियांश के पास। वीकेंड में क्या, वीक डेज में क्या होता है कि वरुण के पास भी टाइम नहीं होता ऑफिस का एंड मैं मेकअप करके रियांश को पकड़ नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो फिर बड़ा वो हो जाता है। वैसे आज हुआ ये, आज भी यही कि भाई वो क्रैंकी हो गया, उसको पकड़ना था मेकअप करके पूरा, ऐसी चीज़ें। बट कोई नहीं, दोनों चीज़ें मैनेज करनी है साथ में, जितना वो इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है यार। दिस इज़ माई सोर्स ऑफ इनकम, तो ऑब्वियसली जॉब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एंड आफ्टरऑल उसके लिए ये सारी चीज़ें। तो बस अभी मैं बेड को थोड़ा सा सेटल करूँगी, क्लीन करूँगी, क्योंकि मेस्ट रहता है तो बहुत इरिटेशन भी होती है, घर लगता है एकदम सिर पे आ रहा है। क्लीन अप रहता है तो थोड़ा सेटल लगता है, दिमाग भी शांत रहता है। तो सारी चीज़ें फोल्ड करके रख दूँगी। इसके नेक्स्ट डे मुझको फिर से शूट करनी थी, मतलब जो बचा हुआ था वो सब मुझे फिर से रीशूट करना था एंड अभी आगे मैं ड्राइंग रूम को क्लीन करने के लिए मैं रियांश का जो हैंगिंग है ना यहाँ पर रखती हूँ लटका के, क्योंकि कई बार मैं किचन में काम करती हूँ ना तो उसको मैं सोफे पर लिटा देती हूँ एंड टेबल को साइड में कर देती हूँ, तो वो आराम से यहाँ पर इसको देखता रहता है। वैसे ऐसे बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसको ना इस टाइप की गेम्स पसंद नहीं है, ऐसे पड़े पड़े, उसको एक्टिवनेस चाहिए, उसके साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो। इवन हर बच्चे का ही होता है। और मैं अभी देखने जा रही थी कि भाई वो सो गया क्या, तो वरुण ने कहा हाँ सो गया, तू अपना जा काम कर ले जो करना है, तो वरुण उसके पास ही लेटे हुए थे, तो मैं बहुत टेंशन फ्री हो गई। और अभी जो कपड़े मैंने वॉश किए थे वो सारे मैं फोल्ड करके ना रखने आई हूँ एंड इतने में वरुण ने मुझे बोला कि यार चाय बना दे प्लीज़, मैं इसके पास हूँ, क्योंकि फिर उनके गले में थोड़ा सा पेन तो था ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, थोड़ा खराश और थोड़ा सा ऐसा है ठंडा गर्म खाने की वजह से। तो बस बेड वेड क्लीन करके मैं बनाऊंगी चाय एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारा लाइक करना एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्टाग्राम, आपने मुझे सपोर्ट किया इसलिए मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो, मैं मेहनत करती रहूँगी। तो बस यार यही, चलो फिर बाय बाय एंड आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ मुझे ना प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ बट कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो इतनी सारी चीज़ हो जाती है ना मैनेज करने के लिए रियांश के साथ, बहुत सारे मैरिड और जो मॉम है ना वो रिलेट कर पा रहे होंगे कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कोई नहीं यार, आप लोग प्यार देते रहो बस ऐसे, और कुछ भी नहीं चाहिए। चलो फिर मैं आपसे ना नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलती हूँ एंड शायद नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा डिले आएगा तो वेट ज़रूर करना। बाय, टाटा।